मैंने अभी कहा कि 1963 में हजरत साहब का बाल खो गया था, पूरे देश में राजनीतिक भूकंप आ गया और कुछ दिनों के बाद पंडित नेहरू को चैन में चैन आया, कांग्रेस की संतलत को चैन में चैन आया। ९९ में 7 लाख कश्मीरी पंडित बेघर हुए, कहीं राजनीतिक भूकंप नहीं आया। इतने सालों से कोर्ट में मामले बंद पड़े हैं। आज की तारीख में जिस कांग्रेस ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक थे, जिस कांग्रेस ने कपिल सिब्बल में कहा 2019 तक रोक दिया जाए, जिस कांग्रेस ने राम सेतु को काल्पनिक बताया, आज वो मंदिर की बात कर रहा है। कांग्रेस के कारण ही इतने साल लगे। अब जैसे 1963 में हजरत साहब के बाल मिल गए, देश के 100 करोड़ हिंदू प्रभु श्री राम के सामर्थ के साथ सामर्थ जगाएंगे, मंदिर बन गया। अच्छा, सिद्धू 2 बार पाकिस्तान यात्रा पे गए, उनकी जनसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अरे भाई, कौन बड़ी बात हुई? जिस कांग्रेस ने भारत में जब जब चुनाव हो, चुनाव के समय कभी मणिशंकर अय्यर, कभी कांग्रेस के अन्य नेता पाकिस्तान जाते, पता नहीं चुनाव हिंदुस्तान में होता, वोट मांगने पाकिस्तान की सरकार से जाते। अब राहुल गांधी ने नए एम्बेसडर बनाया है, वो हैं सिद्धू, कांग्रेस के नए एम्बेसडर, जिनकी सभा में भारत में अगर पाकिस्तान जिंदाबाद लगा, लगना ही था, रोपे बबुल तो आम कहाँ से हो। जो सिद्धू जाकर के पाकिस्तान की तारीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ पाकिस्तान की धरती पर करे, भारत को गालियां दे, वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद लगेगा। जहां सिद्धू हैं वहां पाकिस्तान जिंदाबाद है, उनके समर्थकों ने उनको खुश करने के लिए किया, और वो हैं राहुल के समर्थक, इसके डायरेक्टर हैं राहुल गांधी।